स्वागत है आपका आज की टेक न्यूज के अंदर। काफी जबरदस्त खबरें दोस्तों, वीकेंड आ चुका है, इसी बात पे लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। वन प्लस 9RT, तो ये फोन अक्टूबर के अंदर इंडिया में लॉन्च हो सकता है और ये सिर्फ इंडिया और चाइना में ही लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर वन प्लस नॉट 2 वाला 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एप्पल काम कर रहा है कैसे नए फीचर के ऊपर, जिसके बाद से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, इस फीचर का नाम है हाइड्रेशन सेंसर, जो कि एप्पल वॉचेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और काफी इनोवेटिव है दोस्तों, काफी जबरदस्त फीचर होने वाला है। देखते हैं ये कब तक हमें देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 के अंदर आपको एक जबरदस्त फीचर देखने को मिलने वाला है, गूगल क्रोम के अंदर आप मल्टीपल विंडोज में क्रोम को यूज कर पाएंगे, जैसे कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप के ऊपर हम कर पाते थे। तो काफी जबरदस्ती होने वाला है, बहुत यूजफुल ये हमारे लिए साबित हो सकता है। वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो, तो ये स्पॉट किया गया है गीकबेंच के ऊपर और वहां से हमें पता लग रहा है इसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G90 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसने सिंगल कोर के अंदर 519 का स्कोर लिया है, वहीं पर मल्टी कोर के अंदर इसने 1673 का स्कोर निकाला है, जो एक अच्छा स्कोर निकल के आ जाता है। ये हमें बेस वेरिएंट 4GB की रैम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं ये कब तक मार्केट के अंदर लैंड होता है। Redmi 10 Prime, तो इसको स्पॉट किया गया है ब्लूटूथ SIG के ऊपर और इस फोन को शायद इंडिया के अंदर Redmi 10 के रीब्रांड की तरह से लाया जाए और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो काफी जल्दी ये इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ हमें दिख सकता है। ट्विटर के ऊपर काफी नए फीचर्स आने वाले हैं जो DMs को इम्प्रूव कर देंगे। जैसे कि आप ट्वीट शेयर करते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो काफी आसान आपके लिए हो जाएगा और उसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे बेटर नेविगेशन भी आपको मिल जाएगा और ऐसे ही काफी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली तो iOS के ऊपर आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, एंड्रॉइड के ऊपर इसमें से कुछ फीचर्स आ जाएंगे। Xiaomi Mi TV 5X दोस्तों, तो ये आपको इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। इसकी डेट सामने आ चुकी है जो कि 26 अगस्त डिसाइड की गई है और काफी अच्छा टीवी है, मार्केट के अंदर लैंड होने वाला है। Asus Chromebook Detachable CZ1 अनवील कर दी गई है, इसके अंदर आपको MediaTek कंपनियों का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपको गुस्सा आता है ना तो इसके ऊपर उतार लेना, इसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड का टफनेस देखने को आपको मिल जाएगी। एलन मस्क ने रिवील कर दिया है अपनी कंपनी की तरफ से एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि काफी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। इसका नाम रखा गया है टेस्ला बॉट और काफी सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि जो मूवीज में होता था वो अब सच में होने वाला है, हमारे इर्द गिर्द रोबोट्स घूमने वाले हैं दोस्तों। और जहां तक लगता है ये अगले साल हमें लॉन्च होता हुआ भी दिख जाएगा। गूगल पिक्सल 5a के अंदर एक बड़ा इश्यू सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाती है तो ये ओवर हीटिंग का इश्यू दे देता है, काफी बड़ा इश्यू ये बन सकता है। अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी गूगल के लिए, तो इसके लिए गूगल को जल्दी से जल्दी कोई अपडेट देके इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करना जरूरी हो गया है। आज की खबरों का सिलसिला हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट न्यूज कौन सी थी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पर लाइक बटन दबा दीजिए, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, जो लाल वाला बटन नीचे आ रहा है, साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ऑल पे उसे सेट कर लीजिए ताकि मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सो बाय।